ऋतिक रोशन को सपोर्ट करके मुश्किल में फंसे फरहान। ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर जब एक बार फिर उठे सवाल तो फरहान ने लिया यू टर्न। ये तो सब जानते हैं कि ऋतिक और कंगना के अलेजेड रिलेशनशिप की कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद किस तरह फरहान अख्तर ने लिखा था एक ओपन लेटर और किया था ऋतिक को सपोर्ट, जिसके बाद आए ऐसे रिपोर्ट्स भी कि कंगना को उनके मुंहफट रवैये की वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में किया जा रहा है बॉयकॉट, और इसीलिए ना ही कंगना को किसी बॉलीवुड पार्टी में किया जा रहा है इनवाइट और ना ही ऑफर की जा रही है उन्हें कोई फिल्म। पर अब फरहान ने इन रिपोर्ट्स को बताया है गलत और कहा है कि कंगना है बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड शी हैज अ ग्रेट फ्यूचर। नो बट शी इज नॉट बॉयकॉटेड, शी इज डूइंग वेरी वेल फॉर हरसेल्फ। व्हाई डू यू फील शी इज बीइंग बॉयकॉटेड? वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर, यू नो शी हैज अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ हर, सो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई पीपल शुड नॉट वर्क विद हर। फरहान ने ये बात की अपनी फाउंडेशन मर्द के इवेंट पर। ये फाउंडेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए काम करती है। ऐसे में जब फरहान से ये पूछा गया व्हाई एक्ट्रेसेस आर नॉट अलाउड टू स्पीक अप अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो फरहान ने इन बातों को डिनाई किया और कहा, वेल आई मीन इट इज आई डोंट नो, आई मीन द फैक्ट इज दैट हूएवर इज क्लोज टू दैट पर्सन, हूएवर नोस द ट्रुथ, यू नो हैज टू एनकरेज द पर्सन टू बी एबल टू स्पीक, एंड आई डू फील दैट इफ द मोर पीपल दैट डू स्पीक अप, यू नो द मोर पीपल हु कम आउट विद देयर स्टोरीज एंड इफ there is a basis to those stories, they will find people who support them. I don't feel that there'll be any kind of adverse reaction. चलिए फरहान, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर कंगना ने ऐसा क्यों कहा था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियों ने दी थी इस मैटर को आगे ना बढ़ाने की एडवाइस। वो संदेश अगाटे, जूम मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.